गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट शेप लेने वाले हैं रेक्टेंगल। देखो इस तरह से हम रेक्टेंगल का हट बनाने वाले हैं, मतलब कुटिया बनाने वाले हैं। देखो इसके लिए हम मेजर लेंगे 6 सेंटीमीटर, तो स्टैंडिंग लाइन में हमें लेना है, सॉरी स्लीपिंग लाइन हमें 6 सेंटीमीटर लेना है, और स्टैंडिंग उसके हाफ लेना है, मतलब 3 सेंटीमीटर। देखो स्लीपिंग लाइन हमारी, उनका मेजर होगा 6 एंड स्टैंडिंग में हम 3 सेंटीमीटर लेने वाले हैं, है ना। इससे हमारा रेक्टेंगल शेप आएगा। इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर दिया, और हमें ये स्लैटिंग लाइन में इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी, वो भी 6, उसका मेजर भी होगा 6 सेंटीमीटर, दोनों साइड में सेम। इस तरह से हमारी ये हट रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसका डोर, ये हट जिससे हम अंदर जाते हैं, और ये छोटी सी विंडो बनाएंगे हम। अब आपको क्या करना है, इसे कलर करना है। पहले हम मार्कर से आउटलाइन कर लेंगे, हमारा ड्राइंग अच्छा दिखने के लिए हम इसे इस तरह से आउटलाइन कर देंगे। देखो अब हमें इसे कलर करना है। सबसे पहले मैं कलर लूँगी, कौन सा लेना है, देखो मैं ब्लू कलर लूँगी। अब ब्लू कलर से मैं ये अपनी, देखो स्काई ब्लू कलर लिया है मैंने, ये हार्ट को पूरा कलर करूँगी इस तरह से। देखो मस्त लग रहा है कि नहीं, आपको भी इसी तरह का ड्राइंग करना है। अब मैं ये डोर के लिए ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने ये कलर कर दिया। येलो कलर से मैं विंडो करूँगी, विंडो को कलर किया। अब मैं ऊपर के लिए ब्राउन कलर लूँगी छत के लिए। देखो अब हमें इसमें डार्क ब्राउन भी ऐड करना है, इससे हमारी हट बहुत अच्छी दिखेगी। देखो इस तरह से लग रहा है कि नहीं, अच्छी ड्राइंग हमारी आ रही है ना। चलो बच्चों, आपको क्या करना है, इसी तरह का ड्राइंग करना है, और आपको ये ड्राइंग कलरफुल करके फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप पे सेंड करना है ना। चलो आज के लिए हमने यही ड्राइंग करेंगे। कौन सा शेप सीखा हमने, रेक्टेंगल। ये क्या बनाया हमने, हट, HUT हट। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्राइंग लेके, बाय।